कोरोना और सेक्स संबंध, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तिज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। कभी सारे फोन्स मुझे आते रहते हैं कि अभी क्या ये कोरोना के दिनों में सेक्स करना चाहिए, सेक्स संबंध रखना चाहिए। तो अभी क्या है कि सब लोग लॉकडाउन में हैं और लोग ऐसी हंसी मजाक में ये बोलते रहते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में घर में काफ़ी सारा संबंध एक दूसरे से आते रहता है। तो अभी ये महीना अप्रैल महीना चालू है, तो दिसंबर जनवरी महीने में बहुत बर्थ रेट जो है वो बढ़ जाएगा। तब तक 9 महीने पूरे हो जाएंगे, क्योंकि अभी काफ़ी संबंध आ रहे हैं लोगों के। तभी इसमें सेक्स के बारे में लोग पूछते रहते हैं, तो जो सवाल जवाब लोगों से मैंने किए उसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ कि पति पत्नी जब साथ में है और साथ में ही है और बाहर से ट्रैवल करने की हिस्ट्री नहीं है, तो फिर सेक्स करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। मगर पति पत्नी साथ में नहीं है मगर ट्रैवल की हिस्ट्री है, और स्पेशली वो एरिया से आ रहे कि जहाँ कोरोना था या प्रादुर्भाव कोरोना का हुआ था, तो पति पत्नी ने साथ में आने के बाद में भी सेक्स नहीं करना चाहिए। सेक्स में बहुत करीब आते हैं और वहाँ से संसर्ग हो सकता है। नया जोड़ीदार रहा तो नए जोड़ीदार के साथ में सेक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि नया जोड़ीदार मालूम नहीं कहाँ से आ रहा, कौन से एरिया से आ रहा है। आउट ऑफ मैरिज यदि आप सेक्स कर रहे हैं तो आपको पता ही नहीं है, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए सेक्स नए जोड़ीदार के साथ में। फिर कुछ दिन पहले उसको कोरोना हुआ है किसको, और फिर अभी उसके साथ में सेक्स करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए। हिस्ट्री थी अभी रिकवर हो गया तभी भी नहीं करना चाहिए सेक्स। पता नहीं अभी वो कैरियर है क्या, फिर से उसको रिकरेंस या रिओकरेंस हो जाएगा क्या, मालूम नहीं। अच्छा, कोरोना के एरिया से आ रहा है, किस करना चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं, किस बिल्कुल करना नहीं है। किस में भी वही होता है कि लार जो है, लार तो लार जो है वो आ सकती है मुंह में और वहाँ से संसर्ग हो सकता है। कोरोना के जब लक्षण चालू है एक्चुअली, अब वो कोरोना डायग्नोज नहीं है, कोरोना के 3 मुख्य लक्षण है, एक है खांसी, दूसरा बुखार है और तीसरा है दम लगना या सांस लेने में तकलीफ। अब ये जब है तो भले ही कोरोना नहीं है या डायग्नोज नहीं हुआ है तभी सेक्स नहीं करना चाहिए। कोरोना के मतलब ये कार्यकाल में कंडोम वापरना आवश्यक है, बिल्कुल वापरना आवश्यक है। कंडोम वापरना कभी भी वैसा आवश्यक है, क्योंकि ताकि कोई गुप्त रोग आपको होगा नहीं। अच्छा, फिर सवाल आता है कि गुप्तांगों को हाथ लगाया तो कोरोना होगा क्या, शायद नहीं होगा, क्योंकि गुप्तांगों से हाथ लगा के नहीं होगा, मगर अभी ऐसा है कि वो सामने वाला कोरोना बाधित है तो गुप्तांगों को हाथ लगा रहे, इसका मतलब आप इतने करीब जा रहे उसके, तो भले गुप्तांगों को हाथ लगा के नहीं होगा मगर करीब जाने से हवा से कोरोना हो सकता है। इन शॉर्ट क्या है कि डाउट है कभी भी किसी के साथ में भी तो सेक्स मत करो, सिंगल रहो, खुश रहो, आइसोलेटेड रहो, मजे करो, क्योंकि कभी भी आप किसके संबंध में जाते हो और वहाँ संसर्ग हुआ है या एरिया से आया है या रिकवर हुआ है या डाउट है, तो आपको भी कोरोना होने का पूरा चांस है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।